तो गाइस आप में से काफी सारे लोगों का बजट बहुत ही ज्यादा मिनिमम होता है एंड आपको उस बजट में बहुत ही अच्छा पीसी बिल्ड करना होता है जिससे आपका नॉर्मल वर्क तो इजीली हो जाए और थोड़ी बहुत गेमिंग भी हो जाए। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 5000 रुपए से लेके 6000 रुपए के बीच में कैसे एक आइडियल बहुत ही अच्छा पीसी बिल्ड कर सको जिसमें आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सको। अगर आपको थोड़ी अच्छी गेमिंग करनी है तो वो कल मैंने वीडियो बना दी है ऑलरेडी 8 से 10 हजार रुपए के बीच में, तो वो आप जाके चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 5000 रुपए से लेके 6000 रुपए के बीच में कैसे एक अच्छा पीसी बिल्ड कर सको, वो भी आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं हर कंपोनेंट के। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। मेरा नाम है दीपांशु और आप देख रहे हो टेक बीस। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यार हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोसेसर से। तो गाइस हमने प्रोसेसर इसमें यूज किया यार कोर 2 डुओ। अब यार ये डुअल कोर एक प्रोसेसर है 3 GHz की, इसमें हमें बेस क्लॉक मिल जाती है जो कि ठीक ठाक है एंड 2 कोर एंड 2 थ्रेड है। अब देखो यार हमारा बजट बहुत ही कम है, 5000 रुपए के आसपास के बजट में हमारा बहुत ही ज्यादा टाइट बजट है, तो इस बजट में हमें इससे अच्छा प्रोसेसर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम सोच सकते थे कि हम i3 के सेकेंड जन या फिर फर्स्ट जन प्रोसेसर ले सकते, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इसके सिमिलर ही थोड़ी सी ज्यादा होगी 10%, जो इतना अच्छी बात नहीं होने वाली है। तो इसलिए हमने इसमें यार डुअल कोर प्रोसेसर यूज किया, इंटेल का कोर 2 डुओ E8400। बात करूं यार इसके प्राइस की, तो यार ये आपको आराम से 500 रुपए के आसपास अमेजोन पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, अगर आप शॉप से लोगे या फिर OLX या फिर क्विकर से ट्राई करोगे तो शायद 250 या फिर 300 रुपीज के आसपास भी आपको ये मिल जाए। तो गाइस ये इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत ही आइडियल परफॉर्मेंस आपको दे देगा। थोड़ी बहुत गेमिंग कराओगे, मतलब थोड़ी बहुत मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत बिल्कुल आप मतलब लो लेवल की गेमिंग आप इसमें कर सकते हो, जैसे फ्री फायर होती है फिर CS:GO होती है, ऐसी गेमें आप बहुत ही कम FPS में आप आराम से खेल लोगे तो आपको इंजॉय भी कर लोगे वैसी गेमें। लेकिन अगर आपको हाई लेवल की गेमिंग करनी है तो यार ये PC वो नहीं करा पाएगा। एंड अगर आपका जितना भी वर्क है वो तो आप इजीली इस पे कर ही लोगे। तो ये हो गई हमारी बात प्रोसेसर की। तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारी ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो इसमें यार दो सिचुएशन मैंने रखी है। अगर आपका बजट 5000 रुपए है तो यार आप एक 1 GB का ग्राफिक कार्ड लो। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है 6000 रुपए के आसपास है तो यार आप एक 2 GB का ग्राफिक कार्ड लो। 1 GB का ग्राफिक कार्ड आपको आराम से 600 रुपए से लेके 700 रुपए के आसपास आराम से मिल जाएगा 1 GB का ग्राफिक कार्ड। उस पर आप अपना नॉर्मल वर्क तो ईजिली कर पाओगे, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है जैसा मैंने आपको बताया तो वो आपको आराम से 1500 रुपए के आसपास मिल जाएगा। मैं आपको साइड में दिखा भी रहूंगा। तो जिसका बजट 5000 रुपए के आसपास है तो यार वो 1 GB का ग्राफिक कार्ड लेना, एंड जिसका बजट 6000 रुपए के आसपास है तो यार वो 2 GB का ग्राफिक कार्ड प्रेफर करना। तो इसमें 2 GB वाले में हम कौन कौन सी गेम खेल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप GTA 5 तो इसमें नहीं खेल सकते, आप खेल लोगे चल जाएगी इसमें, लेकिन 20-30 FPS में आपको उतना मजा नहीं आने वाला। तो इसमें आप GTA 4 GTA 3 जैसी गेम्स खेल सकते हो, और क्रिकेट गेम्स हो गई जैसे यार शूटिंग गेम्स हो गई या फिर आर्केड गेम्स हो गई, वो पुरानी गेम्स है, या फिर फ्री फायर के लिए लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि 5 से 6000 रुपए के आसपास के बजट में फ्री फायर खेलने, तो यार उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा PC होने वाला है। 6000 रुपए के आसपास इसका आइडियल बजट है। एंड किसी को अगर 5000 रुपए का बजट है जिसको गेमिंग बिल्कुल नहीं करनी तो यार उसमें आपका नॉर्मल वर्क बहुत ही ईजिली हो जाएगा, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर है वो ईजिली रन हो जाएंगे। तो इस बजट में यार इससे अच्छा ग्राफिक कार्ड हमें नहीं मिलने वाला। तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड यार हमने इसमें यूज किया एकदम सिंपल बेसिक मदरबोर्ड, Zebronics का G41 मदरबोर्ड। अगर आप इसे न्यू लेने जाओगे तो 3000 रुपए के आसपास ही आपको मिलेगा, लेकिन इसका मैंने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, वो है कि आप इसे OLX से लो। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके वहाँ पे आपको बल्क में मिल जाएंगे जितने भी ये आपको मदरबोर्ड चाहिए आपको वहाँ पे आराम से बल्क में मिल जाएंगे। वैसे आपको तो एक ही लेना होगा, लेकिन यार मैंने वहाँ उनके पास बहुत सारे ये अवेलेबल है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको आराम से 700 रुपीज़ से लेकर 800 रुपीज़ का आराम से मिल जाएगा। तो गाइस ये ढूंढने में मेरे को बहुत टाइम लगा, क्योंकि यार ये मदरबोर्ड यार बहुत ही कम मिलते हैं, जो भी मिलते हैं अमेजोन पे वहाँ पे 3000-3500 रुपये का मिलता है, क्योंकि लेना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा इस टाइम में भी और किसी भी टाइम में भी, क्योंकि यार अभी के टाइम जो नया मदरबोर्ड आता है, जो हमारे न्यू लेवल के मदरबोर्ड आते हैं वो ही 3 से 4 हजार रुपए का होता है, और एक हम पुराना मदरबोर्ड लेंगे तो वो भी 3-4 हजार रुपए का लेना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। तो गाइस ये हो गई बात हमारे मदरबोर्ड की। हमारे जो भी हमारे तीन जो इंपॉर्टेंट कोर होते हैं पीसी के लिए वो हमने इसमें बता दिया है मैंने आपको, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड। और अब बात करते हैं हमारे स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज के लिए यार हमने इसमें यूज करी है एक हार्ड डिस्क 500 GB की, बहुत ही ज्यादा मोर देन इनफ रहने वाली है। अगर आपको गेमिंग भी करनी है तो भी आपके लिए 500 GB मोर देन इनफ रहने वाली है। एंड अगर आपको सिर्फ वर्क के लिए पीसी लेना है तो गाइस बहुत ही कमाल की बात है कि 500 GB आपके लिए बहुत होने वाली है। एंड इसका बात करूँ इसके यार प्राइस की, तो ये कंसिस्टेंट की तरफ से आती है, काफी अच्छा ब्रांड की यार ये हार्ड डिस्क है। आपको एक सेकंड हैंड हार्ड डिस्क मिल जाएगी 600 से 700 रुपए की, लेकिन यार वो मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि आप हार्ड डिस्क अगर एक न्यू लेना 500 GB की तो वो आपको मिलेगी लगभग 1400 रुपीज के आसपास। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी के लिंक्स दे रखे हैं, तो आप जाके चेकआउट जरूर कर लेना। एंड अब बात करते हैं हमारे रैम के बारे में, जो हमारी पीसी को यार काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने में हेल्प करेगी। तो आइडियली इन जो
प्रोसेसर या फिर हम ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा लोग 2GB की यार रैम प्रेफर करते हैं, लेकिन यार हमने इसमें यार 4GB की रैम लगाई ताकि इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा बूस्ट मिले। तो इसमें यार हमने यूज करी यार हाइनेक्स की 4GB की रैम DDR3 1600 MHz पर यार ये रैम क्लॉक्ड है। एंड बात करो यार इस रैम की तो आपके पीसी की आपकी जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, आपके पीसी को यार ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देने में हेल्प करेगी। यार ये रैम 4GB की 1600 MHz पर क्लॉक्ड है, DDR3 रैम है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एंड बात करो यार इस रैम के प्राइस की तो ये रैम आपको भी मिल जाएगी 1200 rupees के आसपास Amazon पे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी का लिंक दे रखे, आ जाके चेकआउट कर लेना। एंड गाइस इसके बाद हम बात करते हैं हमारी पावर सप्लाई के बारे में, तो पावर सप्लाई इस आइडियल पीसी के लिए यार 250 से 300 वॉट की भी बहुत मोर देन इनफ रहती है, लेकिन यार इस समय यार 250 से 300 वॉट की पावर सप्लाई हम कहां ही ढूंढने जाएं, तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है 400 वॉट की पावर सप्लाई का, ज़ेब्रोनिक्स की पावर सप्लाई का, जिसको भी यार वो परचेस करनी है वो कर लेना, वो 500 rupees के आसपास मिलेगी। एंड इसके अलावा या फिर किसी को यार कैबिनेट के साथ जिसमें इनबिल्ट पावर सप्लाई हमें मिलती है, जैसे बहुत सारे कैबिनेट होते हैं जिसमें इनबिल्ट पावर सप्लाई होती है 300 वॉट के आसपास की, तो यार वो ले लेना कैबिनेट के साथ, वो आपको 500-600 rupees के आसपास मिलेगी। या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ज़ेब्रोनिक्स की पावर सप्लाई का, वो आपको 500 rupees के आसपास की मिलेगी। तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारी कैबिनेट के बारे में, तो गाइस कैबिनेट भी हमने इसमें यूज किया, तो आप OLX या फिर क्विकर पे ट्राई करोगे तो आपको 400 rupees से लेके 700 rupees के आसपास बहुत ही अच्छे अच्छे कैबिनेट मिल जाएंगे। ट्रस्ट मी गाइस मैं आपको साइड में दिखा भी रहूंगा कि बहुत सारे कैबिनेट, मतलब आपको अगर गेमिंग कैबिनेट भी चाहिए तो वो 800 rupees के आसपास आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यार इस पीसी के लिए गेमिंग कैबिनेट का कोई फायदा नहीं है लेने का, हम एक नॉर्मल कैबिनेट भी लेंगे तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा। अगर आपको, मैं प्रेफर करूंगा आप वो वाला कैबिनेट लेना जिसमें आपको SMPS मिल जाए, मतलब पावर सप्लाई मिल जाए, जिससे आपका पावर सप्लाई का जो बजट है 500 से 600 रुपए वो बच जाए, ताकि उस पावर सप्लाई से आपकी जो पीसी में लगी हुई हो वही काम आ जाए जो आपके कैबिनेट में हो। तो गाइस ये है हमारा पूरा पीसी बिल्ड। अगर आप बात करो यार इसकी पूरी कॉस्टिंग की, अगर आप एक इसमें 1GB का ग्राफिक कार्ड लगाते हो तो इस पीसी की कॉस्टिंग होती है 4900 रुपए। यस गाइस 4900 rupees में आपको एक पीसी बिल्ड हो रहा है, वो भी 2021 में, और उस टाइम में जब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए कंपोनेंट के, तो 4900 रुपए में यार ये पीसी बिल्ड हो जाएगा आपका 1GB के ग्राफिक कार्ड के साथ, जब इसमें आपको गेमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत गेमिंग करनी होगी बिल्कुल लो लेवल की, तो आप एक इसमें 2GB का ग्राफिक कार्ड यूज कर सकते हो 6110, जो बहुत ही नॉर्मल ग्राफिक कार्ड है, एवरेज ग्राफिक कार्ड बोलूंगा आपको, जितने भी आपके नॉर्मल होंगे वो तो आप इजीली कर पाओगे, लेकिन आपकी 20-30% की गेमिंग भी आप उस पर आराम से कर लोगे, और बहुत ही लो लेवल के टाइटल्स होते हैं वो आप आराम से कर लोगे। तो जिसको भी यार एक ऐसा पीसी चाहिए 5 से 6 हज़ार रुपये के बीच में जिसमें आपको गेमिंग कर सकते हैं, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए एकदम बेस्ट है। तो गाइज ये है हमारी पूरी टोटल कॉस्टिंग इस पीसी की 5 से 6 हज़ार रुपये के बीच में। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको 1GB के साथ जाना है या फिर आपको 2GB के साथ जाना है। सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। एंड सभी के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड इस वीडियो के बाद इसके बाद हमारी वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, एनिमेशन, ग्राफिक एंड इन्हीं सभी के पीसी बिल्ड्स की वीडियोस भी बहुत ही जल्दी आने वाली है, वो भी यूज्ड, क्योंकि इस समय न्यू के प्राइसेस बहुत ज्यादा अप है, तो इस समय यार यूज लेना यार बहुत ही ज्यादा आइडियल सिचुएशन होने वाली है, और काफी ज्यादा लोग यूज ही प्रेफर कर रहे हैं या फिर लैपटॉप्स प्रेफर कर रहे हैं इस टाइम में, क्योंकि यार न्यू के प्राइस ऑलमोस्ट डबल या फिर ट्रिपल टाइम्स बढ़े हुए हैं। तो गाइस दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसी एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन पीस आउट।